बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में भी आपको ज़रा कुछ डिटेल बता दूं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, वन साइड ऑफ द ट्रायंगुलर गार्डन इज 30 मीटर, इफ टू कॉर्नर एंगल्स आर 22 डिग्री 1/2 एंड 112 डिग्री 1/2, फाइंड द कॉस्ट प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। ओके क्लास, यहाँ पर एक्चुअल में ये क्वेश्चन इस तरह से है कि कुछ एरिया है जिस पर जो वो गार्डनर है वो प्लांट करना चाह रहा है ग्रास, ठीक है, और पर स्क्वायर एरिया पर ₹5 चार्ज होते हैं अगर वो वहाँ पे ग्रास प्लांट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें टोटल एरिया पता होना चाहिए ताकि हम ये जज कर सकें कि टोटल एरिया पर ग्रास प्लांट करने में कितने एक्सपेंस आएगा। ओके, हमें गिवन डाटा है 30 मीटर, एक साइड गिवन है और उसी के कॉर्नर एंगल्स गिवन हैं। तो कॉर्नर एंगल्स में ये जो हाफ़ साइड लिखा हुआ है ना, ये हाफ़ को आपने इस तरह से लेना है। आपको मैं थोड़ी सी इनकी नोटेशन भी बता देती हूँ। इसे आपने कर लेना है, दिस इज़ इक्वल टू सी, राइट। सी अगर है तो सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ए अल्फ़ा और बीटा। सो इस एंगल को आप अल्फ़ा कह लें, इस एंगल को आप बीटा कह लें। सो अल्फ़ा आपका इज़ इक्वल टू है 22 डिग्री, जो 1/2 साथ में लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये 30 मिनट है, और इसी लिहाज से बीटा आपका बन गया 112 डिग्री 30 मिनट, राइट। सी साइड आ गई 30 मीटर और बाकी सब भी आ गया हमारे पास एंगल। हमें अब थर्ड एंगल भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब हमें एक साइड और टू एंगल्स गिवन हो तो हमारे पास सेकंड केस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। सो गैमा फाइंड करें, गैमा आपका इज़ इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री, राइट। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये आपकी तमाम वैल्यूज़ आ गई। सो अब इस पर फार्मूला अप्लाई करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी स्क्वेयर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर टू और ये साइन गैमा, आपके पास आपका टोटल एरिया आ जाएगा, राइट। टोटल एरिया आपके पास राउंड ऑफ होने के बाद टोटल एरिया बन जाएगा 225, क्योंकि साइड में लिखा हुआ है मीटर। सो यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वेयर, राइट, ये आ जाएगा इसका स्क्वेयर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया टोटल। और अब जो आगे पूछ रहे हैं कि कंप्लीट एक्सपेंस भी बताएं, इसमें आपने बताना है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू 5 × 225। इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 1125 रुपीज़ साथ में लिख दें, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी इन्फॉर्मेशन। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।